और वेरी गुड मॉर्निंग है बनारस से। बस अभी हम डिपार्ट हुए हैं, 5:20 पे होटल छोड़ दिया था और अभी बज रहे हैं 5:40। और आज जो है सफ़र है 700 किलोमीटर का और बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि सुबह सुबह मौसम बड़ा औसम हो गया है। और यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तुषार भाई, और तुषार भाई ने हमें याद दिलाया कि रिकॉर्डिंग तो कर लो मेरे भाई। तो तुषार भाई की बात को मानते हुए ना काटते हुए और हम निकल गए गूगल की सहायता से गाज़ीपुर की तरफ। आज का रूट जो है वो कुछ इस तरीके से है, मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि गाज़ीपुर जाएंगे, वहाँ से जाएंगे बलिया, फिर जाएंगे छपरा और वहाँ से जुड़ेंगे मुजफ्फरपुर के नेशनल हाईवे 27 पर। ये गाज़ीपुर वाला रूट मैंने वैसे किया हुआ है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मांझी से जाऊँ कि आरा छपरा से जाऊँ, क्योंकि दोनों से बराबर ही है, बट मांझी वाला रूट मेरा खुद का देखा हुआ है, अच्छा रूट है। तो देखते हैं जैसी मर्जी करेगी वैसे करेंगे, अभी तो गूगल माता की सहायता से चले आ रहे हैं। बस नाश्ता कुछ किया नहीं दोनों भाइयों ने, पता नहीं है नाश्ते का कल्चर हर जगह डेवलप कर देना चाहिए भाई। सुबह सुबह तो पोहा तो मिल ही चाहिए, क्या बोलते तुषार भाई? हाँ यार, एमपी में कल्चर अच्छा है भाई, आपको सुबह समोसे, मतलब रात के समोसे सुबह मिल जाएंगे, पर कुछ ना कुछ तो मिल ही आएगा ना भाई खाने के लिए। हाँ यार चलो आगे कुछ ना कुछ मिल ही आएगा। अभी तो हम लोगों ने 3-3 केले हैं पेले। कौन पड़ गए? अबे तुम्हारी, तुषार भाई के पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं, कुत्तों को लेके आ रहे हो क्या तुम? वो तुम्हें देख के देख रहा हूँ जी, कौन है? बिजू का। सही है। हाँ तो अभी जो हमारा पेट्रोल, तो अपने पास फ्यूल फुल है, अभी सोच रहे हैं कि यूपी से छोड़ते छोड़ते फ्यूल करवा लेंगे, पेट्रोल सस्ता है, बिहार का पता नहीं है। और आज का सफ़र जो है थोड़ा सा लंबा रहेगा, 700 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन आसानी से कटने की पूरी उम्मीद है क्योंकि बारिश का मौसम हमें दिख रहा है तो अच्छा रहेगा, फिर गर्मी नहीं पड़ेगी। कल मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया तो 30-31 दिखा रहा टेम्परेचर, अभी जो है मॉर्निंग टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। कल तो मेरी गाड़ी पे 49 पहुंच गया था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी गाड़ी का जो टेम्परेचर है शायद ये वो बताता है, बाहर का नहीं बताता। हाँ वही वही वही। चलो फिर ये आ गया भैया, थैंक यू फॉर विजिट इन वाराणसी। अब हम जा रहे हैं बनारस छोड़कर, जय हो काशी विश्वनाथ की। तो ये था एक अन्नपूर्णा फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा भड़सर गाज़ीपुर के पास में। हम लोग इस तरफ से आए थे, किसी ने बताया आपने डिटूर कर लिया है, लेकिन अभी हम आगे ही जा रहे हैं क्योंकि हमें एक नया रास्ता पता लगा है जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कनेक्ट होता है। लोगों से बात करके आपको नई चीज़ें पता लग जाती हैं और आप जब किसी से बात करते हो तो आपकी बात भी बन जाती है। सो फिलहाल यही है बस, और अब यहाँ से निकलते हैं और मिलते हैं आपसे आगे रोड पर। ओ हो भाई साहब, और हमारे सामने अभी ये देखिए आ गया है अपना एक्सप्रेस वे। ये हमें एकदम सही सलाह मिली है, जिससे भी मिली है भाई उसको बहुत बहुत सलामी मेरी तरफ से, क्योंकि उसने बोला कि भाई घूम के जाओ, एक बोला कि पीछे से जाओ गाज़ीपुर से, मैंने कहा भाई वो रूट ख़राब है उसको स्किप करके तो अपन यहाँ पे आए, और एक ने बोला कि आप कहीं मत जाओ आगे जाओ एक्सप्रेस वे मिलेगा, एक्सप्रेस वे से ऊपर चढ़े जाओ और वो आपको बक्सर पे छोड़ेगा और बक्सर से आपको मुजफ्फरपुर, फिर आपको 4 लेन मिल जाएगा और वहाँ से 4 लेन है। तो अब जो है सफ़र बहुत सुहाना हो चला है, मज़ा आ गया है। बस अब ये देखना कि एक्सप्रेस वे का रास्ता किधर से है ऊपर चढ़ने का, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग एक्सप्रेस वे पर चढ़ना और उतरना ही होता है। ये है आपके सामने एक्सप्रेस वे, ये तो उतर रहा है यहाँ से, तो चढ़ने वाला आगे से होगा मुझे लगता है। यह सामने बने हुए हैं, ये लिखा हुआ है लखनऊ 307 बक्सर 70 किलोमीटर्स। माई गॉड, जितना बलिया है उतना बक्सर है, मतलब जितने में बलिया पहुँचेंगे उतने बक्सर पहुँचेंगे, और बक्सर तो आपका काम कर देगा तमाम। चलो मेरे भाई आगे से आपको लेफ्ट मुड़ना है, आते जाओ। दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? तुषार भाई के रुकना पड़ेगा। दिख रहा हूँ। हम लोग अभी खड़े हुए हैं टोल नाके पे और यहाँ पे हमारे लग गए हैं 45 रुपीज। विंध्याचल एक्सप्रेस वे नहीं, पूर्वांचल है भैया, इसको रखना संभाल के। वहाँ पे आगे टोल पड़ेगा, वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अच्छा क्या हाँ, रसीद देने पड़ेगी, संभाल रखना। वॉलेट में रखी है, रुकना ही पड़ेगा। कहाँ पर रखी है? वॉलेट में रख ली, रुकनी पड़ेगी, गाड़ी वहीं रुकेगी। हाँ तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी टोल लगता है, ठीक है यार, अगर आप सुविधा यूज़ कर रहे हो पैसा ले लो,
ऐसा नहीं है कि आप रेस्ट्रिक्ट कर दो टू व्हीलर्स के लिए, जैसा कि हिंदू हृदय सम्राट समृद्धि एक्सप्रेस वे पे किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। यूपी इज़ गुड, आई लव यूपी। और अभी हम जा रहे हैं बक्सर बलिया की तरफ, आजमगढ़ दिख गया, सुल्तानपुर दिख गया। अभी अपने को भाई स्ट्रेट जाने का है, चलते रहना चलते रहना। ये इधर 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 वाले पे, इधर वाले पे ये लिखा है बक्सर लखनऊ, बक्सर तरफ आ जाओ, बक्सर बलिया की तरफ आ जाओ, वहाँ से लखनऊ पहुँच जाओगे वरना। तो 45 रुपये लगे हमारे केवल 40 किलोमीटर्स के लिए एक गाड़ी का। सुबह के 8 बज रहे हैं, टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, धूप ने स्टार्ट कर दिया अपना रौद्र रूप दिखाना। और हमें अब कुछ नहीं है खाना, मिलते हैं आपसे आगे रोड पे। I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. तो फाइनल अपडेट ये है कि अभी 9:30 बज चुके हैं, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है गाड़ी के ऊपर। वैसे मौसम तो काफ़ी अच्छे चल रहा है अभी तक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बादल हुए हैं। और हमने क्या है, बलिया नहीं गए हैं, और बलिया के पहले बक्सर में हमने टर्न लिया, और बक्सर से हमने पकड़ा है रूट इस समय आरा वाला, क्योंकि ये भी हमें 4 लेन मिल गया है, आरा छपरा और आई थिंक मुजफ्फरपुर भी, यहाँ से पूरा 4 लेन है। तो अगर आप बलिया जाओगे तो बलिया से फिर आपको 2 लेन पकड़ना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, और वो भी वहीं कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये बेटर है ना, 4 लेन आप चलते हो तो आपकी स्पीड मेंटेन रहती है। बस जब आप एक्सप्रेस वे से उतरोगे तो 20 किलोमीटर आपको 2 लेन मिलेगा, जो कि ठीक है, ओके है, और वहाँ पे आप काफ़ी रेस्ट कर सकते हो, दिमाग को भी रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि आप एकदम से 80 से 60 पे आते हो, गाड़ी को भी चाहिए थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, और वापस आप 80 पे चला रहे हो इसलिए। तो अभी तो हम बस क्या क्रॉस कर रहे हैं नहीं पता है, कृष्ण ब्रह्म करके कोई जगह है वो क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद आएगा आरा, फिर आएगा छपरा, और फिर आएगा मुजफ्फरपुर। ये एक्चुअली पटना वाला रूट है, लेकिन हम पटना ना जाके इसको बीच में से ही टर्न ले लेंगे, और बेटर है कि अगर आप लोगों से पूछते चलोगे तो वो बेटर सबसे अच्छा होगा। गूगल तो आपको फिर पता नहीं किस रास्ते से लेके आएगा, वो नहीं मालूम। खैर जैसा भी है, जो भी है, आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल तो बड़े मज़े आ रहे हैं, मिलता हूँ मैं आपसे आगे। और मेरी गाड़ी ने इस समय 23,000 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं, एक छोटा सा किटकैट ब्रेक बनता है, तो आगे कहीं रुकेंगे चाय वाय पीने के लिए। आरा दिखा रहा है यहाँ से 48, और मेरे को लगता है कि देखते हैं कितना टाइम लगता है, लेकिन 15-20 मिनट के अंदर एक रेस्ट लेंगे, 15 मिनट के बाद फिर चालू करेंगे। और अभी क्विक अपडेट यह है कि 12 बजने को हैं, 10 मिनट बाकी हैं, 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। फ्यूल हमने भरवा लिया है, एक जगह बीच में रुके थे, और वो जगह शायद आरा थी, आरा के बाद थी, तो वहाँ पर रुके, और उसके बाद हमने हल्का सा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया, पानी वानी पिया, और लोगों से पूछा कि हमें कैसे मुजफ्फरपुर जाना है। तो हम छपरा वाले रूट को इग्नोर करते हुए दानापुर से होते हुए जा रहे हैं, तो दानापुर आए, फिर दानापुर से पकड़ लिया हमने मुजफ्फरपुर, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर है। ये पूरा रूट शानदार है, ये शहर है पटना, पटना का आउटर कह सकते हैं, पटना साहिब है यहाँ पर। खैर कोई नहीं, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। और बस यार गर्मी तो है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी हमने सोची थी, थोड़ी सी कम है गर्मी। उसका रीज़न है कि बीच में बहुत बारिश मिली, लेकिन हमें बारिश से भीगने में डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास रेनकोट है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा भीग जाए ताकि थोड़ी सी ताजगी बनी रहे। बाकी तो सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। और दैट्स ऑल, इतना ही अपडेट करना था, मिलते हैं आपसे आगे, फिर कहीं स्टॉप करेंगे। तो टारगेट आज का सेट है 700 किलोमीटर सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी के एस पे तो पहुँचेंगे चाहे कुछ हो जाए। आज जो है पेलम पेल है, रेलम पेल है, अभी मुजफ्फरपुर टच हो जाएगा ना तो एकदम काम आसान हो जाएगा, फिर एकदम सीधे चले आना है। और भाई साहब ये है गंगा नदी, ये है गंगा नदी, और ये हम जा रहे हैं इस पुल के ऊपर आगे। तुषार भाई क्या मस्त सीन है यार, मस्त यार मस्त, अल्टीमेट बनाया अल्टीमेट। जो हमने सोचा था ना पटना, उससे बहुत ज़्यादा आगे निकला, मतलब हो सकता है कि हम गलत हैं, ये हमको आज साबित कर दिया है। और कभी भी आप किसी के बारे में गलत मत सोचो, हमेशा अच्छा सोचो, इससे ये साबित होता है। वाकई में यार मतलब बहुत ब्यूटीफुल यार, बहुत ब्यूटीफुल, अल्टीमेट यार अल्टीमेट, दिल आ गया। ये शायद जेपी सेतु, हाँ वही है जेपी सेतु,
जयप्रकाश नारायण सेतु वही है भाई साहब, लेकिन एक नंबर है यार, अल्टीमेट फीलिंग, वर्थ हो गया आना। सब लोग लाइन से चले आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। ये देखो, ये देखो, स्कॉर्पियो बुद्धि वाले तो मतलब अलग बुद्धि है स्कॉर्पियो वालों की, बता दे रहा हूँ मैं। आनंद महिंद्रा तक अपना वीडियो पहुँचाऊँगा, बोलूँगा ये देख लो, सबका बैकग्राउंड चेक करके दिया करो स्कॉर्पियो, पता है। ओके, तो काफ़ी देर चलाने के बाद हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया, अपना देसी मसाला फैमिली रेस्टोरेंट। ये करीबन मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर है, तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए खाना खाने के लिए। मैंने बोला कुछ अशार भाई अच्छा रेस्टोरेंट है, खाना खा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि बीच में फिर देखेंगे शाम को रुकेंगे तो वहाँ पर देखा जाएगा। और फाइनली हम लोग मुजफ्फरपुर क्रॉस कर गए हैं, 2:32 और 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। गाड़ी ने 23,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं 190 किलोमीटर पहले, और क्विक अपडेट यही है कि बस हमने अब दरभंगा वाला NH-27 पकड़ लिया है, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। लेकिन बिहार में अगर आप हैं तो भाई साहब बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है आपको गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे पग पग पे खतरा है, लोग उल्टी तरफ से भी आ रहे हैं, सीधी तरफ से भी आ रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ आ रहे हैं भाई। अपनी तो 2-3 बार हो रैली थी, कैसे भी करके अपन बस निकल आए हैं, और बस अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग आज आराम से पहुँच जाएंगे। ओके, तो ये था एक रोटी छोटी मल्टी कज़िन रेस्टोरेंट, और जिसमें हमने सिर्फ एक स्टिंग पिया और पानी पिया भरपेट। और अभी यहाँ से हमको जाना है अररिया, जो कि है 169 किलोमीटर्स। सो शाम के बज रहे हैं 4, टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस, और अभी हमें यहाँ से सिलीगुड़ी जाना है, तो 400 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, 400 यानी कि 5 घंटे और लगना चाहिए। चलो हमको अपने अररिया चलना है। क्या बैठ है यही, अभी अररिया चलते हैं फिर वहीं से पूछेंगे। और क्विक अपडेट, ये है कोसी ब्रिज का, ये है कोसी नदी के ऊपर बना हुआ पुल, जो मैंने 2017 में भी कवर किया था, आज फिर से कवर कर रहा हूँ, लेकिन अपने भाई तुषार खेर के साथ। शाम के 5:10 हो रहे हैं और टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, काफ़ी सुहाना है। ये अलग बात है कि उस समय शायद 2:30 आसपास बज रहे थे, अभी 5 बज रहे हैं, मतलब 3 घंटे का डिले चल रहा है। खैर कोई नहीं, आज तुषार भाई अपने साथ हैं बैकअप के रूप में, और हम उनके बैकअप के रूप में, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सोलो होते हैं अपन तो तब भी मार देते हैं यार, ये तो फिर भी डुअल मोड पे है भाई। सामने से भी कुछ आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा भाई। अरे वो सामने से भाई, ओह भाई साहब उल्टा लेके आ रहा, वो देख रहा तू, ये देखो ये क्या है, कोसी नदी के पुल को देख लो आप लोग, बहुत ही शानदार, कोसी सेतु नाम है उसका। आज हमने JP सेतु क्रॉस किया, वो भी शानदार, कोसी ब्रिज पार किया, वो भी शानदार। मौसम बहुत अच्छा रहा यार, धूप नहीं निकली ना, मज़ा आ गया, वरना बहुत डिहाइड्रेशन होता। तो फिलहाल अपडेट करने के लिए इतना ही है, और अभी हमें अररिया भी क्रॉस करना है। अररिया भी वहाँ से जो लास्ट स्टॉप था वो ऑलमोस्ट 169 किलोमीटर्स था, और अभी पता नहीं कितने किलोमीटर्स हम लोग आ चुके हैं, कितने, ये 60 भाई, अपन 70 किलोमीटर आ गए, पता तेरे को, ये 70 था, क्योंकि अब अररिया है ना 110 बचा होगा। अररिया से डिसाइड करेंगे कि हमें किशनगंज जाना है या ठाकुरगंज जाना है, क्योंकि दो रास्ते हैं जो शॉर्टकट्स हैं, तो दोनों ही शॉर्टकट हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैं पूर्णिया से होके गया था, मतलब बहुत लंबा घूम के गया था, इस बार अपन को शॉर्टकट मारना है। चिकन नेक से जाएंगे, चिकन नेक से, थोड़ा सा राइडर का ईगो लेके आ गए हम लोग कि आज हम लोग सिलीगुड़ी मारेंगे, मतलब मारेंगे चाहे कुछ हो। वाह यार क्या ग्रीन है, एक नंबर है यार, मज़ा ही आ गया भाई, अंदर तरोताज़ा हो गया मैं तो उसको देख कर। 6:30 के आसपास एक स्टॉप मारेंगे, जो कि एक ट्रांजिशन ब्रेक होता है ना शाम वाला, वो करेंगे, हेलमेट भी साफ़ करना रहेगा, फिर आराम से हौले हौले, अभी तो हम 80 मेंटेन कर रहे हैं, शायद रात में 70-60 पे भी जाएं, मज़ा आ जाएगा, बस देखते हैं बाकी। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया, और ये भैया लोगों ने बहुत मदद की और बताया कि यहाँ से आगे जाके हमको एक टर्न मिलेगा 0 माइल का, जहाँ से हमें सिलीगुड़ी पड़ेगा 120 किलोमीटर्स, और उसके बाद अगर आप पूर्णिया से जाओगे ना तो आपको पड़ेगा 250 किलोमीटर। तो हमने तय किया है कि ठीक है, हम कहाँ से जाएंगे, हम जाएंगे शॉर्टकट लेकर, जो कि ठाकुरगंज से होके आता है। वो बोले कि बस आपको एक सीधा यहाँ से टर्न मारना है,
और वो भी मारना है किस तरफ, आपको मारना है लेफ्ट तरफ, और उसके बाद आपको मिलेगा बढ़िया वाला रास्ता। तो चलिए मिलते हैं आपसे रोड पर। भाई साहब अभी हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर, और ये हमने पकड़ा हुआ है जो हाईवे है 0 माइल से, मतलब अररिया से अगर हम लोग बात करें तो ये जा रहा है सीधे बागडोगरा सिलीगुड़ी की तरफ। उन्होंने बोला था 120 किलोमीटर है, लेकिन भाई साहब जो हमारे साथ हो रहा है ना, मतलब वो अलग लेवल का एडवेंचर है। एडवेंचर सिंह के साथ अगर एडवेंचर नहीं हुआ तो फिर ट्रिप कैसे होगी। हवा बहुत तेज़ है और साइड से ना, मतलब मेरे लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो बहुत तेज़ धूल, मतलब इतनी तेज़ धूल की विजिबिलिटी ज़ीरो आ रही है। हमारे कपड़ों में धूल भर गई है, मुंह के अंदर भी धूल जा चुकी है। भाई साहब मतलब अल्टीमेट लेवल का एडवेंचर है, अल्टीमेट। रात में उतना समझ में नहीं आता, और ऐसे गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी एक झटका ले रही है, एक साइड में आ रही। मैं और तुषार भाई बहुत परेशान है। हवा ठंडी लग रही है, अभी थोड़ी सी हवा जो है वो कम हो गई है, बंद सी लग रही मेरे को तो भाई। और यहाँ पे जाम क्यों लग रहा है भाई, जाने दो यार, हमें तो मत रोको। ओहो हो, ये किसके ट्यून बज रही भाई? आओ आओ तुषार भाई आ जाओ, ये ट्रक वाला मज़े ले रहा है, इसका बचपन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो भाई साहब कुछ इस तरीके का सीन है, दिन में होते तो पता नहीं क्या करते, रात में तो फिर भी चलो रात के अंधेरे में चीज़ें पता नहीं चलती, और हम लोग क्रॉस करते हुए चले आते हैं। दिन में तो हिम्मत ही टूट जाती है। अभी तो हिम्मत इसलिए बची हुई है क्योंकि हमें दिख रहा है सिलीगुड़ी 120 किलोमीटर, जिसमें से हम लोग ऑलमोस्ट 30-40 तो आ गए, तो 90-80 पड़ा हुआ है, और टाइम हो गया है 8, टेम्परेचर हो गया है 28। और बस अब आपको आगे अपडेट करेंगे। अभी तो रोड बहुत ख़राब है, ये एक्चुअली रोड बन रहा है 4 लेन, तो इसलिए अभी ये रोड ख़राब चल रहा है। तो आई डोंट नो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि नहीं करूँगा। आपके अंदर अगर है, दिन में आ रहे हो तो वेल रिकमेंडेड है, रात में इसको मत करना। बस हम लोग दो हैं, अगर मैं सोलो भी होता तो शायद कर लेता, दो हैं करके हम लोग रात में भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर पूर्णिया से आते तो 250 किलोमीटर पड़ता। तो ठीक है, जैसा भी है, वो एक परीक्षा की घड़ी है जो हमारी चल रही है इस समय आंधी तूफान के साथ। बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी लग रही है मेरे को, यहाँ पर गंदे हो गए हैं, अब नहाने का वक्त आ गया है। दांत में रेत। चलो मिलता हूँ मैं आप लोगों से आगे।